सुरेंद्र जी, जो आरोप सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं वो ये कि जब तक आपकी पार्टी में होती है तब तक दिक्कत नहीं होती है, बीजेपी में चले जाते हैं तो आपको बुराई लगने लगती है, आपको लगता है कि बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन है जिसपे जाके दाग धुल जाते हैं। प्रतिमा जी, अब आज एक बिल्कुल हम नया आरोप लगा देते हैं, अब इस पर पता नहीं शिवम जी क्या कहेंगे। शरद रेड्डी, आपने सुना ही होगा शरद रेड्डी जी का कि 55 करोड़ भाजपा को दिए, 30-35 टीडीपी को दिए, 20-25 बीआरएस को दिए, और वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए आरोपी कंपनी ने दिए, आरोपी कंपनी है जिसके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, उसको बेल भी मिल गई, सारा कुछ हो गया। यहाँ पर अब बात नहीं रुकी, अब बात इसकी नई बात आ गई। आज जो लेटेस्ट आरोप है, हमें पता चला है कि टीडीपी से शरद रेड्डी के पिताजी को टिकट दिला दिया है इन्होंने, जिसको ये कह रहे हैं कि शराब घोटाला दिल्ली में किया है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इनको दिए, इनको दिए, इनको दिए, और इन्होंने भी लिए 60 करोड़ रुपए भाजपा वालों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के, उसके पिताजी को इन्होंने जो है आज टीडीपी से टिकट लोकसभा का दिला दिया। अब आप इस पर क्या कहेंगे, आप मुझे बता दीजिए। या तो उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, कभी भाजपा के रहे हों, कभी टीडीपी के रहे हों, या कुछ भी रहे हों, हम मान लेंगे कि अगर वो पॉलिटिकल एंटिटी रहे हों तो। लेकिन उनके पिताजी, जिसकी कंपनी के ऊपर टोटल 100% आरोप है, और हमारा आरोप है कि उन्होंने इसी शराब घोटाले के तहत में शायद 55 करोड़ रुपए भाजपा को भी दिए, टीडीपी वालों को भी दिए, बीआरएस को भी दिए। अब इसके बाद आप आ जाइए, ये जितनी बातें अभी शिवम भाई कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है, अरे शिवम भाई, हम क्या प्रेशर डालेंगे? प्रधानमंत्री जी तो शायद कुछ भूल गए, वो भूल गए कि वो सत्ता में, भूल गए प्रधानमंत्री हैं। अरे सत्ता वाले लोग प्रेशर डालते हैं, जिनके पास ईडी है, सीडी है, सीबीआई है, जिनके पास इनकम टैक्स है, जो लोग इन सब की एजेंसियों से छापे डलवा करके आपसे चंदा भी लेते हैं, आपको धंधा भी देते हैं, आपको दबाते भी हैं, आपको पुचकारते भी हैं, सब करते हैं। सीडी के जरिए ये अपने एमएलए एमपीज को जो है काबू में रखते हैं। उपेंद्र रावत एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीधे तौर पर ये आरोप है शिवम। और आपने सुना शरद रेड्डी का नाम लेकर साफ तौर पर आपको घेरने की कोशिश की जा रही है कि एक बार किसी तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचा दो और उसके बाद आप फ्री है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि गठबंधन में एक पार्टी के कहने से अगर दूसरी पार्टी के पिता को टिकट दिया जाने लगा तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूं सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत तो टिकट दे कांग्रेस वाले, ये कोई तर्क भी है क्या इस बात का? और फर्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल अगर किसी को मिला है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिक्स में अगर किसी को टिकट मिला है तो भैया मुझे दिलवा दो फिर, अगर किसी के कहने से मिलता है। मैं तो कहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद, क्या कर दूंगा आपका। इस बात में कोई तर्क भी होता है क्या कि उनके भारतीय जनता पार्टी के कहने से टीडीपी में किसी को टिकट मिल गया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवा दिया? कमाल बात हो गई। मैं इस तरह का कोई तर्क नहीं है। और जहां तक बात सुरेंद्र जी की है और जहां तक बात इन तमाम विषयों की आपने अभी उठाया, उस पर भी मैं आगे आऊंगा। जो शुरुआत में प्रफुल्ल पटेल जी को लेकर जो बात कही गई है, विषय बहुत साफ है। मेरे देश में हर एक विषय में, हर एक मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट ही हर एक विषय को फैसला करते हैं। अभी एग्जांपल देता हूं आपको, अभी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरे तरीके से कोर्ट ने झाड़ तो लगाई, उनका एक्सटेंशन भी कर दिया, जहां पर उनको पहले एक हफ्ते के लिए जो है कस्टडी दी गई थी, उसके बाद 4 दिन और एक्सटेंड कर दी। वहां पर भगत सिंह की तरह बैठकर एक ऑडियो रिकॉर्ड करके कह दिया, ये देखिए अरविंद केजरीवाल ने कितना शानदार बोला। अरे क्या फर्क पड़ता है इस बात से कितना शानदार बोला? कौन है अरविंद केजरीवाल भाई? कोई जज है क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या? किसी कोर्ट में काम करते हैं क्या? नहीं, वो अक्यूज है चोरी के मामले में और कोर्ट ने इस बात को मानते यही तो, यही तो पूछा जा रहा है। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप बोले उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास। यही तो आरोप विपक्ष आप लोगों पर लगा रहा है ना कि वो तमाम लोग जिन पर बहुत गंभीर आरोप थे वो बीजेपी में गए और उसके बाद उनके तमाम दाग धुल गए। मैं वही कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल इस समय आरोपी है, भारतीय जनता पार्टी इसमें पार्टी ही नहीं है, कोर्ट है। कोर्ट ने कहा कि पहले 7 दिन के रिमांड पर जाओ, फिर ईडी ने कहा कि नहीं नहीं जी, सैटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिल रहे थे, फिर 4 दिन के लिए जाओ, और ये बाहर आकर क्या ढिंडोरा पीटते हैं, ये देखिए हमारी जीत हो गई अरविंद केजरीवाल भगत सिंह। प्लीज इस देश में जबरदस्ती कोर्ट पर कोई प्रेशर बनाने की कोशिश मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस विषय में कोई एंटिटी नहीं है। चूंकि आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया शिवम, चूंकि आप अरविंद केजरीवाल का नाम ले चुके हैं तो ऐसे में प्रियंका ककड़ चुकी हमें ज्वाइन कर चुकी है। प्रियंका, यहां पर कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि आपको कोर्ट से लगातार झटके मिल रहे हैं और जो लोग भी अंदर हैं अभी वो कहीं ना कहीं कोर्ट के कहने पर अंदर हैं। ये तमाम बातें कही जा रही हैं कि अगर आरोप लगा है तो जांच होगी, इस पूरे मामले में सच सामने आएगा। ये तमाम बातें कहना कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, ये कहां तक जायज?
सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं दो तीन बातें बहुत ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट के लिए बताना चाहूँगी। थोड़ा एको आ रहा है, प्लीज़ इसको ठीक कीजिए। अभी मैंने भाजपा के प्रवक्ता को सुना तो उन्होंने आपको झूठ बोला कि अरविंद केजरीवाल जी आरोपी हैं। ईडी दो साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी तक तय नहीं कर पाई है कि आरोपी है कि नहीं। ईडी को हाईकोर्ट ने फटकार मांगी है, 2 अप्रैल को ईडी को जवाब दाखिल करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे किसी भी नेता के यहाँ से 1 चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, फिर भी वो बिना ट्रायल के, अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, बिना ट्रायल के वो जेल में है बयानों के आधार पर। ये कैसे हो पा रहा है? इसमें कोर्ट का कोई दोष नहीं है, कोर्ट को कुछ भी बोलना गलत होगा। तो इसमें पीएमएलए कानून में संशोधन कर दिए भाजपा ने। क्या संशोधन किए? कि किसी बयान के आधार पर भी आपको अनंत काल तक जेल हो सकती है, और सिर्फ जब तक ईडी नहीं कहेगी कि उनको बेल पे आपत्ति नहीं है, बेल नहीं होगी। अब ये वाला संशोधन जो पीएमएलए कानून में भाजपा ने किया है 2018 में, ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो जुलाई में सुनवाई होगी। कोर्ट में भगवान के यहाँ भी थोड़ी देर है, अंधेर नहीं, कोर्ट में भी सेम सिस्टम है ना, क्योंकि भाजपाइयों ने हाईकोर्ट की वैकेंसी अगर भर दी होती, सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी भर दी होती, तो ये हालत नहीं होती। तीसरी चीज जो बहुत मायने रखती है कि इन्होंने बार बार कहा कि कोर्ट ने फटकार लगाई, रिमांड पे भेज दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा जितनी लंबी रिमांड देनी है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो तर्क रखे वो, और उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स किए, उनका खुलासा बाद में हुआ था, उनके अरेस्ट होने के बाद। तो इसमें क्या हो रहा है, जिसे बेल कहाँ मिली? बेल मिली जब छगन भुजबल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो कोर्ट ने, ईडी ने कोर्ट में कह दिया हमसे फाइलें खो गई, केस बंद कर दो। बेल कहाँ मिली? अजीत पवार के केस में जब वो भाजपा चले गए, तो ईडी ने कोर्ट में कह दिया कि चार्जशीट से नाम निकाल दिया, उस केस में तो चार्जशीट से नाम निकाल दिया। अभी हाल ही में प्रफुल्ल पटेल की फाइलें बंद हो गई है, वो केस बंद हो गया। इसमें बहुत जरूरी है कि हम भाजपा से पूछें कि जिसको ये साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बताते थे, पहले बताते थे पी शरत रेड्डी को साउथ लॉबी का किंगपिन भाजपा और उनकी ईडी, उसके अरेस्ट के बाद, शरत रेड्डी के अरेस्ट के बाद 10 नवंबर को वो अरेस्ट होता है, उस 6 महीने के अंतरकाल में जब वो जेल में होता है तो भाजपा उससे 60 करोड़ रुपए लेती है रिश्वत में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है, उसके बाद उसकी बेल होती है। इस 6 महीने के अंतरकाल में वो कोर्ट जाता है, कहता है कि मेरे से 9 स्टेटमेंट ले ली, ये बार बार मुझे कह रहे हैं जब तक अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लोगे नहीं छोड़ेंगे, मेरे से प्रताड़ना चल रही है। पर क्योंकि पीएमएलए लगा था, कोर्ट उसको छोड़ नहीं पाती। जब वो फाइनली नाम लेता है, उसके बाद ईडी कहती है इसको पीठ में दर्द है, जाने दो। तो ये खेल चल रहा है। और साथ में जब जहां तक बात है, देखिए ठीक है, आज जो भी आरोपी किसी भी स्कैम का, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, ठीक है प्रियंका, लुई वाटर, जो भी आप आरोप निकाल लीजिए, सारे लोग भाजपा में जी, ठीक है।